हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो ये बिरयानी की रेसिपी बहुत ही आसान है और इसमें बहुत ही अच्छे मसालों का फ्लेवर भी है। और देखिए, ये जो चिकन है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बना है। तो इसकी पूरी रेसिपी के लिए आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप आधा किलो चिकन ले लें और उसमें डाल दीजिए एक बड़ा चम्मच दही, और फिर उसमें आप डाल दीजिए एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप उसमें डाल दीजिए एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक आपके स्वाद के अनुसार। तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लें। तो मेरे आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है, और आप इसे फ्रिज में रखकर ओवरनाइट मैरिनेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिरयानी में डलने वाली फ्राइड ओनियन की तैयारी कर लेते हैं, जिसे बैरिस्टा भी कहा जाता है। तो मैंने 2 बड़े प्याज को यहाँ स्लाइटली कट कर लिया है। तो पैन में मैंने 1/4 कप तेल गरम कर लिया है, गैस का फ्लेम है मीडियम। तो आप बिल्कुल भी हाई फ्लेम मत रखिएगा, नहीं तो ये जो प्याज है वो बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। ये और ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो उसके लिए मैंने इसमें 1 चुटकी डाल दिया है नमक, और लगातार चलाते हुए आपको इसे बस लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। तो आप इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन करने के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो ये जो प्याज है वो बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। तो आप इसे बस छान कर एक टिश्यू पेपर में निकाल दें और साइड में रख दें। तो सेम तेल में आप डाल दें 1 चम्मच शाही जीरा या नॉर्मल जीरा, और जब जीरा अच्छे से चटकने लग जाए, पॉपअप होने लग जाए, तब आप उसमें डाल दीजिएगा 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 हरी इलायची और 3 से 4 लौंग। और बस खड़े मसाले डालकर आप इसको हल्का सा फ्राई करें ताकि तेल में इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और फिर इसमें आप डाल दीजिए 2 बड़े प्याज को स्लाइटली कट करके। तो आपको इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और प्याज जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आपको इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल ना चले जाए। तो ये करने में आपको सिर्फ 2 मिनट ही लगेगा। और फिर आप उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो गैस का फ्लेम आप लो रखिएगा और इसे तब तक फ्राई करिएगा जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। तो जब मसाले से तेल अलग हो रहा हो, तब आप उसमें डाल दीजिए 1/2 कप फेटा हुआ दही। तो गैस का फ्लेम आप लो ही रखिएगा। तो दही को अगर फेट के डालेंगे तो ये फटेगा नहीं। तो अगर आपको दही फटने का डर है तो आप चिकन को मैरिनेट करते वक्त ही उसमें ज़्यादा दही डाल दीजिए। तो जब मसाले से तेल अलग होने लग जाए, तब आप उसमें डाल दीजिए मैरिनेट किया हुआ चिकन। और चिकन डालते ही आप गैस का फ्लेम जो है हाई कर दें। तो अगर आप यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो ये जो चिकन है वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसे 5 मिनट हाई फ्लेम में लगातार चलाते हुए पकाएं। उसके बाद गैस का फ्लेम करें आप मीडियम और इसे ढककर आप पकने के लिए रख दें। और जब चिकन अच्छे से पक जाए, तब आप उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद आप गैस को कर दीजिए बंद। तो चिकन को आप बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत करिएगा, क्योंकि ये बिरयानी में भी थोड़ा सा पकेगा। और आप इसे थोड़ा सूखा सूखा ही रखिएगा, इसे ग्रेवी मत बनाइएगा। और लास्ट में आप इसमें डालिएगा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और पुदीने की पत्तियाँ। बिरयानी का चिकन बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब जल्दी से हम तैयारी करते हैं इसमें डलने वाले चावल की। तो इसे आप साइड में रख दें। तो आप ले लें 1/2 किलो आपके पसंद की कोई भी बासमती चावल। तो चावल को आप अच्छे से धो लें और उसके पैकेट में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप उसे सोक कर लें। तो आप एक बड़े से बर्तन में पानी लीजिएगा और उसे गर्म करने के लिए रखिएगा। तो जैसे ही पानी में थोड़े छोटे छोटे बुलबुले दिखने लग जाएं, आप उसमें डाल दीजिए 1.5 चम्मच नमक, और फिर उसमें आप डाल दीजिए 1/2 चम्मच शाही जीरा या फिर नॉर्मल जीरा।
2 से 3 हरी मिर्ची जिसे आप काट के भी डाल सकते हैं, 1 टुकड़ा जावित्री का और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 से 2 हरी इलायची डाल दें और 1 से 2 आप यहाँ पर लौंग डाल दें। तो पानी को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। तो पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए आप उसमें डाल दीजिए सोक किए हुए बासमती चावल, और जो चावल है वो अच्छे से खिले खिले बने हैं और वो एक दूसरे से चिपके नहीं, उसके लिए आप उसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच घी। और उसके बाद ये जो चावल है आपको इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है, तो आप इसे ओवर मिक्स बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो ये जो चावल है ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास सिलिकॉन या फिर लकड़ी का कोई चम्मच हो तो आप उससे ही इसे मिक्स करें ताकि ये टूटे ना। तो बिरयानी में डलने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ केसर ले लिए हैं और जिसे मैंने थोड़े कुनकुने दूध में भिगा लिया है। तो आप 2 बड़े चम्मच घी को थोड़ा सा पिघला लें और उसके बाद आप अपने पसंद का कोई भी 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल दें। तो ये जो चीज़ है इसे हम बिरयानी में डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बिरयानी में। तो ये जो चावल है आपको इसे 90% तक पकाना है, जब इसमें 1 कनी रह जाए आपको इसे तब तक ही अच्छे से पकाना है, आप इसे पूरा कुक मत करिएगा। और ये देखिए जो चावल है बस थोड़ा सा पकना बाकी है, 90% ये कुक हो चुका है। तो आप इमीडिएटली गैस करें ऑफ और इसे आप अच्छे से छान लें। और ये जो पानी है आप इसे फेंकिएगा मत, इसमें से आप थोड़ा सा पानी बचा कर रखिए, तो चावल बिल्कुल चिपके चिपके ना बने। उसके लिए आप चावल को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लें। तो आप एक बड़ा सा पॉट ले लें और उसमें डालें आप 2 चम्मच घी, तो गैस का फ्लेम आप लो रखें। तो जो चिकन बनाया था उसका जो मसाला था वो आप सबसे पहले डालें। तो चिकन के मसाले में अगर काफ़ी तेल है तो आप घी के साथ वो तेल भी इसमें यूज़ करें, उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा बिरयानी में। और फिर आप बेस में इसमें डाल दें चिकन के पीसेस, और फिर इसमें आप डाल दें राइस, और फिर जो बिरयानी मसाला को हमने घी के साथ मिक्स करके रखा था आप उसे अच्छे से स्प्रेड कर दें इसमें। और उसके बाद सेम प्रोसीजर आपको फिर से करना है, तो आप फिर से डालें इसमें चिकन के लेयर, फिर सबसे टॉप में आप डालें जो हमने केसर और दूध मिक्स करके रखा था, और उसके साथ ही आप डाल दें इसमें 1 चम्मच केवड़ा वाटर, ये ऑप्शनल है पर बिरयानी में खुशबू इसी केवड़ा वाटर से ही आती है। और फिर जिस पानी में हमने चावल पकाया था तो उसमें से 1/2 कटोरी पानी लेकर आप इसे किनारे में कुछ इस तरीके से डाल दें ताकि जो चिकन है वो नीचे से चिपके ना। और उसके साथ ही आप इसमें डाल दीजिए धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, और जो पहले हमने फ्राइड करके ओनियन रखे थे वो भी आप इसमें डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगर आपके पास बिरयानी इत्र हो तो 1 से 2 ड्रॉप आप बिरयानी इत्र भी इसमें ज़रूर डालिएगा। तो लास्ट में आप इसे सिल्वर फॉइल से अच्छे से कवर कर लें और इसे 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने दें। तो अगर आप इसे दम में पकाना चाहते हैं तो आप पॉट को एक तवे पर रखें और उसे 5 मिनट हाई फ्लेम में पकाएं और फिर 10 मिनट उसे लो फ्लेम में पकने दें। तो चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप गर्मा गर्म चिकन बिरयानी का लुत्फ़ उठाएं और मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।